वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी कि मैं शेयर करूँ अपना स्किन केयर। तो मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी अपनी स्किन केयर, कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, क्या नहीं, और कौन सी चीज़ मुझे सूट की, कौन सी नहीं, कौन सी पाकिस्तानी प्रोडक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते, किस में नहीं, सब कुछ आपको मेरी इस वीडियो में मिलने वाला है। और मेरी स्किन किस तरह थी, मेरी स्किन एक्ने प्रोन स्किन और एक्सट्रीमली ऑयली स्किन, तो ये उनके लिए तो बहुत अच्छी होने वाली है ये वीडियो। तो वो भी दिखाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर। पहले आप ये देखो कि आपकी स्किन टाइप क्या है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या एक्नी प्रोन स्किन है, या सेंसिटिव स्किन है, कौन सी स्किन है। मेरी स्किन है एक्नी प्रोन स्किन और मेरी स्ट्रीम लेवल तक ऑयली स्किन है और प्लस सेंसिटिव है। जब भी मैं कोई नया प्रोडक्ट टेस्ट करती हूँ या नया कुछ भी लगाती हूँ या मेकअप लगाती हूँ तो मुझे एक्ने निकल आती है। मैं आपको सबसे पहले शेयर करूँगी ये मेरी स्किन है और अब मेरी स्किन ऐसी हो गई है, बहुत बहुत अच्छी हो गई है। और जब आपकी स्किन अच्छी होती है ना तो आप लेस प्रोडक्ट भी लगाते हो ना मेकअप का, तो आपकी स्किन अच्छी हेल्दी लग रही होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेस वॉश पे। सब मैं जो पहले फेस वॉश यूज़ कर रही थी, मैं को नेचुरल का फेस वॉश यूज़ कर रही थी। टी ट्री फेस वॉश है जो ऑयली स्किन वाले होते हैं या जो एक्ने प्रोन स्किन वाले होते हैं वो टी ट्री यूज़ कर लिया करें। इससे ये होता है कि आपकी जितनी भी हमारे एक्स्ट्रा ऑयल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें एक्ने आती है तो वो ख़त्म होती है, ये क्योंकि ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करता है। जस्ट बस फेस वॉश कर रहा था, सिंपल फेस वॉश कर रहा था, ऐसा भी नहीं कि अपनी एक्ने कंट्रोल कर रहा था, ऐसा नहीं। तो मैं बहुत अरसे से एक तलाश पे थी फेस वॉश, क्योंकि फेस वॉश आपकी स्किन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पैसे से खरीदी है और जो चीज़ मुझे सूट कर गई है मैं सिर्फ वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ मुझे सूट कर गई है और ये चीज़ मुझे सूट नहीं करी है। दूसरा मैंने ये लिया ओरियोर का, ठीक है, ये वाला फेस वॉश लिया। इसके बाद मैंने ये ट्राई किया। अच्छा, इसका सीन जाहिर है, सारी रिकमेंडेशन आ रही थी सामने ना, ब्लॉगर्स दे रही होती, बता रही थी अब ये ले लो वो ले लो, तो मैंने ये इसलिए लिया। तो जब मैंने लिया तो इसके साथ सीन क्या है, ये जबकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ये मुझे ड्राई पे लेके जा रहा था। मेरे यहाँ पैचेस बनना शुरू हो गए थे इधर, इसको करने से और कोई इशू नहीं हुआ। इसे मुझे एक्ने नहीं दिया, इसे मुझे कुछ ऐसा नहीं दिया, बट इसको जब जब मैं लगा रही थी ये मुझे यहाँ पैच दे रहा था। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ भी नहीं है कौन सी स्किन टाइप है, शायद पेज पे लिखा हो। मैंने ब्राइटनिंग के से मैंने मंगवाया था पर्पज से कि मेरी स्किन बहुत डल हो रही थी, लाइक ब्राइट भी नहीं था, मुझे लगा कि इसने मुझे स्किन को ब्राइट किया है और बस ड्राई कर रहा था ये स्किन को। फिर मैंने अभी ये बहुत ज़्यादा हाइप थी B&B के प्रोडक्ट्स की, तो मैंने फेस वॉश मंगवाया। इसको मैं अभी यूज़ कर रही, 3-4 दिन हो चुके हैं, तो लेट्स सी, मैं इसका दे दूंगी रिव्यू आपको, लेकिन 3-4 दिन में तो मैं आप, अच्छा एक चीज़ कि अगर हम, अच्छा एक और चीज़ आपको ये बता दूँ कि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो ये नहीं कि आज यूज़ किया और कल हमारी स्किन वाह हो जाएगी, ज़बरदस्त किस्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इन प्रोडक्ट्स को, मुझे 1.5 महीना हो चुका है इनको यूज़ करते हुए, तो रिजल्ट नज़र आए तो मैं आई हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं रिजल्ट जब आता है मैं तभी उस चीज़ पे बात करती हूँ, जब रिजल्ट नहीं आएगा तो चीज़ पे बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो B&B मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, एक्ने कंट्रोल है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्ने कंट्रोल हुई है, लेकिन मैं फिर भी एक्ने उसमें गई हूँ क्योंकि मुझे इस तरह के ही फेस वॉश सूट करते हैं। अच्छा, जो मैं पहले यूज़ कर रही थी उस क्लिनजर में सेरावे का यूज़ कर रही थी, जबकि मुझे स्विच करना था पाकिस्तानी उस पर। तो अब मैं आपको बता दूँ इसके प्राइजेस आसमान छू रहे मतलब ये 8,000 तक पहुंच चुका है, तो मतलब 8,000 का आप पाकिस्तानी अच्छी खासी स्किन केयर ले सकते हो और उसका रिजल्ट भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए भी मैंने सोच किया, एक तो प्राइस इतने ज्यादा होगा, फिर मुझे पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे जाना था और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे जाना था, तो मैंने 2 प्रोडक्ट लिए, एक हर क्लींजर और एक हर्बलिश ZQ का, ये 2 मैं क्लींजर यूज कर रही हूँ। और जो मुझे इसके रिजल्ट मिले ना, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिले हैं इसका, तो बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसको नहीं यूज़ कर रहे हो ना तो आप इसको ले लो, मेरे कहने पे ट्राई करो। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या करता है। ये जितने भी प्रिवेंट्स ब्रेकआउट्स हैं और सन डैमेज वाइल ब्राइटनिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। इसने मेरी स्किन, जब मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, ऐसा इसको मैं ज़्यादातर तब यूज़ करती हूँ जब मैं मेकअप करती हूँ और या एक दिन छोड़ के यूज़ कर रहे होते, वैसे तो डेली यूज़ करने से आपकी स्किन और भी अच्छी हो जाएगी,
तो मैं स्विच करती रहती हूँ, कभी ये यूज किया कभी ये यूज किया कभी वो यूज कर लिया रात में। तो ज्यादातर मैं क्लींजर रात में यूज करती हूँ, तो जब मैं ये यूज करती हूँ ज्यादातर मेकअप के बाद, क्योंकि ये बहुत स्किन साथ एक ब्रश आता है इस तरह, और ये बहुत सॉफ्ट ब्रश है, ठीक है, और ये बहुत सॉफ्ट है, तो इससे क्या होता है आपकी डीपली क्लिंजिंग हो जाती है। क्योंकि इससे पहले मैं जो यूज़ कर रही थी फेस रिमूव फेस मतलब मेकअप रिमूव के लिए, वो भी बताती हूँ क्या यूज़ कर रही थी, उससे मेरी स्किन पे एक्ने भी आ रही थी, और मेरी स्किन में ना जो अब आप मेकअप रिमूव करते हो तो आपको जलन जलन सी महसूस होती ना, वो मुझे उससे हो रहा था, बट इससे ये नहीं होता है। और इतनी ड्राई स्किन हमारी जो वेदर है ना विंटर का, उसमें ड्राई स्किन हो जाती है, तो उसके बावजूद मतलब हम आप फेस वॉश करते तो ड्राई खिंची खिंची स्किन होती है ना, जलती थी लाइक जलन जलन सी होती थी। उस प्रोडक्ट के या मुझे कोई भी अब तक का मुझे इतना अच्छा क्लिंजर नहीं मिला। उससे पहले मैंने जितने भी क्लिंजर यूज किए मेरे साथ ये इशू रहा है कि मेरी एक तो एक्ने जरूर आती है मेकअप करने के बाद, जब भी मैं क्लींज करती हूँ अपना मेकअप, इट्स मीन वो अच्छा क्लींज नहीं कर रहा। जब से मेरे हाथ में ये आया तो ये चीज में जो प्रॉब्लम खत्म हो गई है, मतलब ये मेरे फेस में कोई एक्ने नहीं कर रहा है मेकअप के बाद। दूसरा ये जब मैं इसको रिमूव करती हूँ, उससे मेकअप करती हूँ रिमूव, तो ये बहुत अच्छे से डीपली रिमूव करता है, और मेरी स्किन कहीं से ना जलन जलन सी महसूस होती है, और ना ही मुझे अब जलन जलन सी मुझे महसूस नहीं होती मेरी स्किन, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और इसे मेरी स्किन को अच्छा ब्राइट भी किया है, तो हाईली रिकमेंडेड है ये मेरी तरफ से। और लाइक एक दिन छोड़ के सुबह मॉर्निंग अभी यूज कर लिया, कभी रात में यूज कर लिया, एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के इसको मैं यूज कर रही होती हूँ। क्लींजर आपके पास होना चाहिए दो तीन तो होने चाहिए अलग अलग उसके। अब जैसे ये मुझे इसका ये अच्छा लगा, इसका फार्मूला बहुत आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है, स्मूथली होती है ना आपकी स्किन वो हो जाती है, इससे इतनी खास स्मूथ नहीं होती थी स्किन सेरावे से मेरी स्किन, ठीक है, इससे ज्यादा अच्छी हुई मेरी स्किन स्मूथ। तो मेरे से ये भी हाईली रिकमेंडेड अच्छा है क्लींजर, एज अ PR मुझे रिसीव हुआ है ये 1-2-3 ग्लो का। और अगर इसी में बात करूँ तो इसकी पैकेजिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसका जो अंदर का फार्मूला है ना वो बहुत थिक है, जिसकी वजह से ये निकल गई है। तो अब जब वो निकल गई है तो मैं इसको निकालू कैसे, तो पैकेजिंग मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। दूसरा जैसे इसमें लिखा हुआ 1-2-3 ग्लो इन 1 फेशियल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उसमें स्क्रब भी मिल रहा है, आपको उसको सब कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं। जस्ट एज अ रिमूव करने के लिए क्लींजर एज ए जस्ट, अगर आपके पास PR आया हुआ तो ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए तौर पर तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए, मुझे इतना खास ये लगा नहीं। दूसरा हम इसके बात करेंगे जॉश बॉडी एंड फेस वॉश। अच्छा, इसको मैंने एज अ मेकअप रिमूवर के तौर पर भी यूज़ किया, एज अ स्क्रब के तौर पर भी यूज़ किया, एज अ क्लींजिंग के तौर पर भी यूज़ किया, मतलब हर तरह का जिसमें इसमें कह रहे हैं जिस तरह के उस पर इसको ऐसे भी यूज कर सकते। अगर मैं इसको दोबारा बाय करूंगी तो मैं सिर्फ बॉडी के लिए यूज करूंगी, दैट्स इट। ये बॉडी के लिए, मतलब बॉडी से मुराद है नहीं हमारे हाथों के या पैरों के लिए, बहुत अच्छा क्लींजर है, बहुत अच्छा स्क्रब है, तो आपकी बॉडी हाथ पैर आपके बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं। बट अगर मैं इसकी फेस की बात करूंगी, जो इसने जो मेरे साथ किया, मतलब लाइक उस तरह तो एक्ने नहीं, लेकिन जब भी मैंने मेकअप रिमूव किया तो मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे एक्ने आती है मेकअप करने के बाद, तो मैं इसी से मेकअप रिमूव कर रही थी। दूसरा एज अ स्क्रब मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी कि ये एज अ स्क्रब काम करेगा, क्योंकि इसने मेरे ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स पे काम नहीं किया है, तो मैं ऐसा ये नहीं कहूंगी आपका बहुत अच्छा स्क्रब है, आपकी बिल्कुल स्मूथ स्किन हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं करता। हाँ, अगर मैं इसको दोबारा लूंगी, खत्म हो चुका है ये मेरा, ठीक है, मैं इसको दोबारा लूंगी तो सिर्फ अपने हाथ और पैर को, ये मेरे बहुत अच्छा ब्राइट कर दिया इसने मेरे हाथ पैर को, मैं ये जरूर इसलिए जरूर यूज करूंगी इसको अपने हाथ पैर के लिए। अगर आप एक अच्छा बॉडी स्क्रब ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, तो आप ये ले सकते हो, इसकी मैं एज अ बॉडी ही सजेशन करूंगी, ना कि फेस पर। मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, मेरी पोर्स इश्यूज है, मेरे ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स बहुत आते हैं, इसमें कोई काम नहीं किया, ठीक है। दू का रीफ, ठीक है, ये स्क्रब, ये मेरी दूसरी बोतल है, मतलब एक साल आराम से चलेगा आपका अगर आप खुद अकेले यूज करने वाले हो, और इससे अच्छा मुझे अब तक कोई स्क्रब नजर नहीं आया, इससे अच्छा, मतलब जितना अच्छे इसने ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स मेरे, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स इस तरफ आते हैं, इधर आते हैं, तो जब मैं यूज कर रही थी इसको तो बहुत अच्छे से मेरी ये, मुझे इतना ज्यादा स्ट्रिप वगैरह नहीं लगाने यूज कर रही थी, जब मेरे खत्म हो चुका था ना
तो मेरी आप ये ब्लेंडर चेक करें, मैंने कहा सब एक साथ ही मंगवाऊंगी और एक एक करके नहीं मंगवा रही हूँ, डिलीवरी चार्ज बचाने के लिए, कंजूसी करने के लिए, सच बता रही हूँ। तो सब साथ मंगवाऊंगे। तो मुझे 2 हफ्ते हो चुके थे, मेरी ये भर चुकी थी, जब तक मैं ये यूज कर रही थी मेरे ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स नहीं आ रहे थे, तो ये मेरी भर चुकी थी। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरा स्ट्रिप यूज करने से ये हालत हुई थी, मेरे नाक से बड़े बड़े दाने निकल आए थे इस तरह इधर इधर इधर, और वो बहुत पेनफुल दाने थे। तो ठीक है, बहुत 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 अच्छा है। अगर आप एक गुड स्क्रब चाह रहे तो ये बहुत माइल्ड है। दूसरा, मजे की बात, इन्होंने पैकेजिंग चेंज कर ली। जो पहले वाली पैकेजिंग थी वो इतनी खास नहीं थी, उसको खोल के करना यूज करना पड़ रहा था, लेकिन ये वाली जो पैकेजिंग आई भाई है ना, इसकी बेस्ट पैकेजिंग है, फौरन निकल आता है। तो मेरी तरफ से ये वाला प्रोडक्ट हाईली हाईली रिकमेंडेड है, स्पेशली जिनके ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स हैं वो यूज करें। अच्छा, आप ऐसा नहीं कि आज यूज करेंगे और आप बोलेंगे कि वाओ साफ हो गया, ऐसा नहीं है। मैं इसको वीक में कम से कम 2 से या 1 बार यूज करती हूँ, कभी 2 बार कभी 1 बार, और मैंने पूरा 1 साल वो बोतल पूरी खत्म करी है और ये मेरी सेकंड बोतल है। तो ऐसा रिजल्ट फौरन नहीं आते, तो 3 हफ्ते आपको, 1 महीना लगता है आपको रिजल्ट आने पे, नजर आने पे। टूनर क्या करता है? टूनर आपके पोर्स को श्रिंक करता है, आपकी स्किन को स्मूथ करता है, आपकी स्किन पे जो भी डर्ट होता है उसको हटा रहा होता है। तो टूनर ये काम करता है। स्किन के इश्यूज क्या है तो उस चीज को लिया करें। अब जैसे मेरा ये था, मैं यूज कर रही थी टूनर, लेकिन मुझे स्विच करना था, वो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर मुझे जाना था, तो मैंने इसको यूज, मुझे दिल भी नहीं कर रहा था, उतने खास रिजल्ट भी नहीं दे रहा था। ये एक आज इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैंने कहा 4-4.5 हजार है ये टूनर, बहुत ज्यादा प्राइस थी। तो अब इसके वो रिजल्ट, क्योंकि मुझे है एक्नी प्रॉन स्किन और ये मुझे पोर्स इश्यूज हैं, मेरी स्किन में बम्स हैं, मतलब इधर उधर बम्स रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं आपको स्किन केयर बता रही हूँ ना, जो अब मेरी स्किन केयर हो चुकी है, वो मुझे इतनी सूट की है कि मेरी स्किन पे कोई बम नहीं, मेरी स्किन माशाल्लाह से स्मूथ हो चुकी है, स्मूथ। और मेकअप भी मैं कम लगाती तो अच्छी लगता है मेकअप, जब स्किन केयर अच्छी होती है आपका मेकअप अच्छा होता है। तो अब जो मैं ट्यूनर यूज कर रही हूँ, मैं हर का यूज कर रही हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि अब मैं आपको बता दें क्यों। अच्छा, डेली मैं इसको यूज कर रही हूँ, ठीक है, रात में और कभी कभार दिन में यूज करती हूँ। एक तो इसमें नाइसिनामाइड है, अल्फा है, ठीक है, और हाइलुरोनिक एसिड भी, और विटामिन सी है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है। अच्छा, अब मैं आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ, मुझे क्यों पसंद आता है, क्यों पसंद आया, मतलब इसका जो टेक्सचर है ना, ये देखें, मैंने एक हल्का सा डाला है, ये वॉटरी बेस्ड नहीं है, इसमें हल्का सा एक सीरम मिला है, ये क्या चीज है, ये एकदम से आपकी स्किन को ना हाइड्रेट कर देते, एकदम से हाइड्रेशन आ जाती है आपकी स्किन पे। आगे भी देखो, ये शाइन है, इसमें सीरम ऐड किया हुआ है, ये क्या इस पे ऐड किया हुआ है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मेरी स्किन को इसने काफी अच्छा ब्राइट किया है, मेरी स्किन पे काफी अच्छा काम किया है। ये देखें आप, अगर अभी देखो, ये वाटर बेस्ड नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीज है, लाइक जब लगा रहे होते ना तो ऐसा लगता है कोई सीरम वाला वाटर टाइप का सीरम है, तो मुझे अच्छा लगा ये और इसे मेरी स्किन पे काम किया, मेरी स्किन पे कोई एक्ने नहीं है, इनफैक्ट मेरी एक्ने कंट्रोल हुई है इससे। स्किन क्या है, मेरी स्किन में पोर्स एंड टेक्सचर्स है, इसलिए मैं नाइसिनामाइड पे गई हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, मतलब आप अपनी स्किन को पढ़ें, आपकी स्किन में क्या है, आपकी स्किन में डलनेस है, आपकी स्किन में एक्नी है, आपकी स्किन पे क्या चीज है, पहले आप अपनी स्किन को पढ़ें। मेरी स्किन पे जो प्रॉब्लम थी वो पोर्स इश्यूज हैं, टेक्सचर हैं, तो जो नाइसिनामाइड होते हैं ना, वो आपके स्किन के टेक्सचर पे और आपके पोर्स पे आपकी एक्नी को कंट्रोल करता है, तो नाइसिनामाइड ये काम करता है। तो मैं इससे पहले मैं यूज कर रही थी, तो अब तक मैं ये नाइसिनामाइड यूज कर चुकी हूँ, ठीक है। इसी बात करूंगी, ये इंस्टेंट ग्लो देता है, दैट्स इट, ये ग्लो देता है, ये बहुत अच्छा ग्लो देता है और आपकी स्किन एकदम से हाइड्रेशन हो जाती है, बट ये आपकी स्किन को रिपेयर नहीं करता, देखिए ये क्लेम कर रहा है कि रिपेयर करता है आपकी स्किन के पोर्स वगैरह पे, ऐसे मेरा काम नहीं किया, बट मेरी मेकअप से पहले मैं इसको यूज करती हूँ, बहुत अच्छी आपकी फाउंडेशन फ्लॉलेस बनती है, एकदम से आपको चेहरे पे ग्लो आ जाता है। यूज किया ऑर्गेनिक ग्लास स्किन का, ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया, मैं जब भी इसको लगाती थी मेरी एक्ने आती थी, जब मैं इसको लगाती थी मुझे एक्ने आती थी, मैंने हर तरह से इसको टेस्ट करने की कोशिश की, सारे प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, इसको यूज किया चेक करने के लिए कि क्या इसमें इशू है या किसी साथ मर्ज नहीं हो रहा, तब भी मुझे एक्ने आती थी। तो ये मेरी तरफ से, हो सकता है किसी और को सूट कर जाए, लेकिन मुझे सूट नहीं किया। ये नाइसिनामाइड 10 है, जिंक 10 यूज कर रही थी मैं इसकी, और अब मैं यूज कर रही हूँ हर का ये
मुझे इसको यूज करते हुए एटलीस्ट 3 वीक्स हो चुके हैं और मेरे चेहरे पे मुझे रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह नजर आए हैं। मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो इसका प्राइस इससे कम है, दूसरा इससे ज्यादा अच्छा वर्क किया इसने मेरे पोर्स पे। मेरे पोर्स माशाल्लाह से यहाँ से हल्के से शरिंग होना शुरू हो चुके जो कि मुझे नजर आ रहे हैं। दूसरा इससे मेरी एक्नी कंट्रोल की, नाइसिनामाइड का काम ही यही कि आपकी एक्नी को हील करता है। अब आते हैं हम मार्क्स पे, ठीक है। मैंने सैफ्रॉन का मार्क्स लिया, मैंने यूज किया, ठीक है, मुझे नहीं समझ आया। क्यों नहीं समझ आया? एक तो ये बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है आपकी स्किन को, दूसरा मतलब इस तरह उसने मेरी एक्नी को कंट्रोल नहीं किया, ना ही मेरे कोई स्कार्स वगैरह को हील किया, तो इसलिए मैंने दोबारा इसको रिस्टॉक नहीं किया। उसके प्राइस भी बहुत अच्छे हो चुके, बहुत महंगा हो चुका है। उसके बाद मैंने ट्राई किया जी क्यू का लस्टर, ये कि खत्म हो चुका है। ये मेरी दूसरी बॉटल थी, मतलब बॉटल नहीं जार था, पहला जार मैं खत्म कर चुकी थी, दूसरा मैंने मंगवाया और अब मैंने तीसरा मंगवाया जार, ये वाला। इसके साथ हमने इसमें ये गोल्ड डस्ट डालना पड़ता है और आपकी स्किन पे जितने भी मेरे स्कार्स है ना, जितने भी मेरे एक्नी स्पॉट्स हैं, ये उसको हील करता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जिसकी एक्नी स्किन है ना, वो तो ये अपने स्किन केयर पे लगा लें। मैं इसको वीक में 2 टाइम यूज करती हूँ, ठीक है। और मजे की बात मैं आपको ये बताऊं, मैं अपने बच्चों को भी यूज करा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की भी एक्नी जब आ रही होती तो मैं यूज करवाती हूँ। ये अच्छा है, तो मतलब ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं, इसमें केमिकल फ्री है। मैं लाजमी ये जरूर लगाती हूँ, स्टार डस्ट। अच्छा, स्टार डस्ट मेरी स्किन पे क्या वर्क करता है, ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को, मेरी स्किन में हाइड्रेशन दे देता है और स्मूथ हो जाती है मेरी स्किन ना, जब भी मैं इसको लगाती हूँ, जब भी मुझे कहीं जाना होता है, मेरी स्किन बहुत डल हो रही होती है, बहुत अजीब सी जिस तरह भी वेदर ड्राई ड्राई हो रही होती है, तो मैं इसको लगाती हूँ। अच्छा, मैं इसको अंडर आई में भी लगाती हूँ, मेरी काफी अंडर आई एरिया हाइड्रेट रहने लग गया है। तो ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, जिनको स्किन थोड़ी सी हाइड्रेशन वाली चाहिए ना, स्मूथ हाइड्रेशन बिना सीरम के वगैरह के, तो वो ये लगाए ने, ठीक है। इसको मैं आधा घंटा या 1 घंटा लगा लेती हूँ। इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो आपके स्किन को हार्म करे, ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा है। इसका सनब्लॉक इतना इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। अगर आप अच्छे से अच्छा ब्रांड यूज करो और आपकी जिंदगी में ये नहीं है सनब्लॉक, तो आपको कोई भी स्किन केयर फायदा देने वाला नहीं है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करने जाऊं मैं, तो ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, मतलब गेम चेंजर है आपकी स्किन का। अब सनब्लॉक क्या करता है, सिर्फ आपको सन से प्रोटेक्ट नहीं करता, आपको पता है मैं कितनी धूप के आगे शूट करती हूँ, ये लगाई भी होती हूँ, ठीक है, और मैं हमेशा करती ही शूट धूप के आगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन कोई टैन नहीं हुई है जब से मैं ये यूज कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा है। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सन प्रोटेक्ट करे, आपको बता दो आपके कॉम्प्लेक्शन को ये थोड़ा सा ब्राइट करता है आपको, ठीक है, और हाइपर पिगमेंटेशन पे ये काम करता है और आपकी एजिंग को कंट्रोल करता है। तो ये इसलिए मैं यूज करती हूँ सनब्लॉक, कि आपकी एक्चुअल सनब्लॉक का काम ही है कि आपकी एजिंग कंट्रोल होती है। अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपकी एजिंग कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर क्या फायदा। तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट सनब्लॉक इसलिए ऐड भी किया करें, आपकी एजिंग पे काम करता है, पिगमेंटेशन पे काम करता है, आपके एक्ने पे काम करता है और आपकी स्किन को थोड़ा सा ब्राइट करता है। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये वाला। अच्छा, ये इसमें क्या सीन है मैं आपको बताती हूँ। जब मैं ये यूज करती हूँ ना, मेरी स्किन में बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती थी, स्किन पे ये स्वेटिंग देता है, इतना स्वेटिंग देता है। जब भी मैं इसको यूज करती थी समर में, तो मैं जी क्यू का सनस्क्रीन यूज करती थी फाउंडेशन के साथ, ये नहीं करता स्वेटिंग। इस बार मैं दूसरा लूँ तो मैंने ये ट्राई किया और ये देखें, ये इतना अच्छे से आपकी स्किन पे अब्सॉर्ब हो जाता है, बहुत, कोई वाइट कास्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपकी स्किन पे अच्छे से देते कि आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया कुछ इस तरह। यूज कर रही थी कैफीन ऑर्डिनरी का, मुझे 1 साल हो गया इसको यूज करते करते, ठीक है, अभी इतना बचा है, आप देखो तो ये इतना बच गया। मेरे डार्क सर्कल इससे खत्म नहीं हुए, मेरे डार्क सर्कल जैसे थे वैसे ही हैं। मैं समझती हूँ कि डार्क सर्कल के लिए कोई ऐसा मैजिक चीज ही नहीं है जो आपके डार्क सर्कल को खत्म कर दे, लाइट अप लाइट कर देगा लेकिन खत्म नहीं करेगा। खत्म आपके डाइट से या आपके सोने से या आपकी स्ट्रेस लेवल कम होने से ही होंगे, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट नहीं करेगा। और अब तो मैं इसको यूज भी नहीं कर रही हूँ, उसको मैंने छोड़ा हुआ है। अब मैं क्या यूज करी वो बता, मून लाइट।
मतलब मैं इसको एज अ अंडर, जब मैं इसको फेस पे लगाती हूँ तो मैं अंडर आई पे भी लगा देती हूँ। मैं अब ओ यू नहीं लगा रही क्योंकि मुझे स्विच करना था अपनी अंडर आई एरिया के लिए। अच्छी क्रीम चाहिए थी, मतलब एक अच्छी हाइड्रेशन वाला मुझे, क्योंकि वो तो आपके डार्क सर्कल कम नहीं कर रहा, मेरे तो नहीं कर रहा है उसने कम। तो अब मैं, मुझे ऐसी चीज चाहिए थी जो मेरी ये लाइन्स पड़ती है ना और उस पर काम करे। तो जैसे मैं, जब से ये मेरा दूसरा जार है, मैं पहला एक खत्म कर चुकी हूँ, मैं एक साल इसको यूज कर रही हूँ, ये मेरा दूसरा 20 ग्राम है, मेरा एक साल चला था वो। अब उसको मैंने एज अ नाइट क्रीम यूज किया है क्योंकि मैंने ना उसमें ना इसके साथ ये दो सीरम आते हैं, ठीक है। मैंने जो पहले वाली जो जार थी ना, मतलब इस तरह की मूनलाइट की, मैंने उसमें ये दोनों मिक्स कर दिए थे अच्छे से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने कहा कि इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन दोनों को अलग अलग करके लगाऊं, क्योंकि एक एक ड्रॉप डलता है, बिल्कुल थोड़े थोड़े ड्रॉप डलते हैं, फिर आप इसको फेस पे लगाओ। ये बेस्ट मुझे नाइट क्रीम लगी। इससे पहले मैंने लॉरियल की यूज की हुई है, उससे पहले मैंने तजमीली बायहानिया की यूज की हुई है, वो भी इतनी खास नहीं है। ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देती है और यही चीज मैं अपनी आई पे लगा रही हूँ। अब मुझे क्या फर्क नजर आया इसको आई पे लगाने से, जो मैं हंसती हूं ना तो मेरे यहाँ रिंकल्स आते थे बहुत इस तरह। अब आप देखें, ये खत्म हो गए मेरे, हंसते हुए वैसे नहीं थे, हंसते हुए आते थे लेकिन वो खत्म हो गए, कम हो गए, मतलब यहां आ गए। तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा जब मुझे डिफरेंस नजर आया, तो इसलिए रिकमेंड कर रही हूं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट लगी मुझे ये नाइट क्रीम, आपकी एजिंग पे काम कर रहा है, इट्स मी स्किन केयर हुई भी और जो मेरी स्किन को सूट कर गए, मैं इसी में रहने लगी हूं। मैं अब कोई चेंज नहीं करूंगी, अगर कुछ हुआ बीच में कुछ चेंज करने का, मुझे कीड़े काटे तो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन वैसे बिल नहीं करने वाली हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो अच्छी लगे तो अपना लाइक कमेंट शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।